हेलो एंड वेलकम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हैं दोस्तों, अपाचे आरटीआर 200 के वाइट वेरिएंट के बारे में कि जो वाइट कलर है बाइक कैसी लगती है। साथ में दोस्तों आप लोगों को इस बाइक के राइडिंग मोड्स के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि ये राइडिंग मोड्स वाली बाइक है और मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया की एक ऐसी पहली गाड़ी है जिसे किसी 200 सीसी गाड़ियों में आपको राइडिंग मोड्स मिल रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इंडिया की ये ऐसी गाड़ी है जो 200 सीसी में सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ में आती है। इंडिया में कोई भी ऐसी 200 गाड़ियां नहीं होगी जिसमें आपको अपाचे आरटीआर 200 की तरह फीचर्स देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं, राइडिंग मोड्स के बारे में जानने वाले हैं, व्हाइट कलर के बारे में जानने वाले हैं, साथ में इसके प्राइस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो प्लीज पूरा देखना वीडियो को। साथ में दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में। बेसिकली दोस्तों मेरे हिसाब से अगर हम कोई भी चीज खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हमारा बजट कितना है, कि हमें उस चीज को खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि हम बजट एंड प्राइस के बारे में बात करें। कि सबसे पहले प्राइस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बाइक में आपको दो वेरिएंट आते हैं। जी हाँ, टू वेरिएंट्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वेरिएंट जो आता है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। उसका जो एक्सोरूम प्राइस है गाइस वो लगभग 1,27,000, 1,27,000 रुपए के आसपास का एक्सोरूम प्राइस मिलता है। वही जो डुअल चैनल ABS वाली आती है उसका जो एक्सोरूम प्राइस है गाइस वो 1,32,000 है, 1,32,000 रुपए में एक्सोरूम प्राइस आता है। बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का एंड इंश्योरेंस चार्जेस उसमें फर्क होता है। गाइस जो सिंगल चैनल ABS वाली आती है वो बाइक हमारे यहाँ लगभग 1,50,000, 1,50,000 रुपए के आसपास की एक्सोरूम प्राइस आ रही है। इधर उधर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट देखने को मिलेगा। एंड वही दोस्तों जो डुअल चैनल ABS वाली आती है वो लगभग 1,55,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में SI 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। इस बाइक में 197.75 सीसी का इंजन यूज किया गया है। वही दोस्तों बात करते हैं बाइक के मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम पावर में इस बाइक में 20.82 का PS पावर मिलता है, जो कि 9000 RPM पर पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 17.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जो कि 7250 RPM पर पावर जनरेट करता है। ये तो हो गया बाइक का मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो मोड्स आते हैं उसमें आपको कितना पावर मिलेगा। अगर आप अर्बन एंड रेड मोड में डालते हैं बाइक में, तो आपको 17.32 का PS पावर मिलता है एंड 16.51 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। वहीं अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो स्पोर्ट मोड में आपको फुल पावर मिलेगा, 20.82 का PS पावर एंड 17.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है, कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। अगर लिक्विड कूल होता तो और बेटर होती। बाइक में 4 वॉल्व है, ड्राई टैप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टैप में ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। क्लच टाइप में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट में सिर्फ एक लौती 200 सीसी गाड़ी है जिसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। किसी भी बाइक में आपको वो चीज नहीं मिलती, सिर्फ R15 155 सीसी की गाड़ी 155 सीसी की उसमें मिलता है और ये 200 में मिलता है, और किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन 5-स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल मुझे देखने को मिलता है, तो यही चीज मुझे बेटर नहीं लगी अपाचे की तरफ से कम 6 गियर इस बाइक में होने चाहिए थे। इस बाइक की जो बोर है वो 66 mm की है, बाइक की जो स्ट्रोक है वो 57.8 mm की है। नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप ऑब्वियसली BS6 वेरिएंट है। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बेसिकली बाइक मुझे काफी बेटर लगी, और RTR 200 आप लोग जानते हो यार, TVS की जो RTR अपाचे सीरीज है वो काफी फेमस है, और 200 इस गाड़ी में आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है ना भाई, बहुत जोरदार परफॉर्मेंस वाली आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की माइलेज के बारे में। माइलेज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर दोस्तों बात करें इस बाइक के ओवरऑल माइलेज के बारे में, तो लगभग 45 के आसपास का माइलेज मिल जाता है। सिटी में लगभग आपको ये बाइक बेसिकली 40 का माइलेज दे देती है, एंड हाईवे पे लगभग 45 से 50 दे देती है। ओवरऑल 40 से 45 के आसपास का माइलेज इस बाइक में आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की
फीचर एंड सेफ्टी के बारे में, साथ में बात करते हैं अब इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। पहले बात करेंगे दोस्तों सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी में दोस्तों इस बाइक में आपको ABS मिलता है जो कि डुअल चैनल ABS आता है। जी हाँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो पहली चीज बहुत अच्छी, प्लस इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है तो ये भी एक चीज काफी बेटर मिलेगी। बात करते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, बहुत सारे फीचर्स है इसमें। आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर आता है, टेकोमीटर आता है, ट्रिप मीटर आता है, ओडोमीटर आता है, क्लॉक है, ABS लाइट है, RPM गियर डिस्प्ले है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, गियर इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, गियर शिफ्ट लाइट है, रियर लिमिटर इंडिकेटर है, ये साथ में इसमें लैप टाइमर तक आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये पहली गाड़ी है इंडिया की भाई जिसमें मैंने देखा कि 200cc में इतने सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। वही बात करते हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो वह इस बाइक के मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा कि इस बाइक में मोड्स आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक स्विच मिलता है जिससे कि आप बाइक का मोड चेंज कर सकते हो। इसमें 3 मोड्स मिलते हैं गाइस, एक तो रेन मोड मिलता है, एक तो अर्बन मोड मिलता है और एक तो स्पोर्ट मोड मिलता है। स्पोर्ट मोड में बाइक फुल परफॉर्म करेगी, फुल पावर मिलेगा बेसिकली, और रेन अर्बन मोड में बाइक का पावर थोड़ा सा कम रहेगा जहाँ पे बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी बेटर रहेगी। अगर ट्रैक में यूज़ करें तो अपने स्पोर्ट में डालते हैं, तो ये फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ में स्विचेस आप देख रहे हैं, लो बीम, हाई बीम, पास लाइट, हॉर्न, साथ में इंडिकेटर्स एंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इंजन किल स्विच। वही दोस्तों साथ में आपको इस बाइक पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है। जी स्मार्ट कनेक्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको लोगो भी मिलता है, इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है जिसे आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को इसके स्पीडोमीटर में कनेक्ट भी कर सकते हो, किसका कॉल आ रहा है उसको उठा भी सकते हो, कट भी कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर है भैया, फीचर की तो कोई कमी ही नहीं है इस बाइक में। मोड्स के बटन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में दोस्तों ये बाइक काफ़ी बेटर है। पहले बात करेंगे चेसी के बारे में, डबल क्रेडल स्प्लिट स्टीप फ्रेम इसमें यूज किया गया, काफी अच्छी चेसी है, काफी मजबूत है। बॉडी टाइप में ये स्पोर्ट नेकेड बाइक, जैसे RR 310 पूरी फुली स्पोर्ट बाइक हो जाती है तो स्पोर्ट नेकेड बाइक है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में दोस्तों इस बाइक में आपको फ्रंट में सोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। अब सोवा क्या है भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वन ऑफ द बेस्ट बाइक है सस्पेंशन क्वालिटी में। जी हाँ, ये जो सस्पेंशन कंपनी बनाती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, सुपर बाइक में तक यही सस्पेंशन यूज होते हैं। और अभी होंडा की जो हॉर्नेट आई 2.0 में भी ये चीज यूज किया गया, बेसिकली बहुत ही ताबड़तोड़ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ में रियर में मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं। बॉडी ग्राफिक्स आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, काफी बेटर लग रही है। बात करते हैं लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है गाइस वो 2050 mm की, इस बाइक की जो विड्थ है वो 790 mm की, इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है गाइस वो 1050 mm की, बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की, यार में 12 लीटर पेट्रोल डला सकते हो। वहीं फ्यूल रिजर्व 2.5 लीटर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई फ्यूल रिजर्व इन गाड़ियों में मिलता है क्या, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मीटर होता है और मीटर में लो फ्यूल वार्निंग जो लाइट आती है उसी का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई। ध्यान रखिए बाइक की जो सीट हाइट है वो 800 mm की है, अगर आपकी हाइट 5.3 या 5.4 या उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस वो 180 mm की, बाइक की जो व्हील बेस है वो 1353 mm की, साथ में बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वो है 152 kg का। करते दोस्तों इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल्स में भी ये बाइक काफी बेटर है, काफी अच्छी लाइट आपको इसमें मिलती है। हेडलाइट में आपको इसमें फुली LED सेटअप व्हाइट लाइट मिलती है, काफी ज्यादा ब्राइट है, ध्यान रखिए। टेल लाइट भी LED है, टर्न सिंगल लैप है, बैटरी कैपेसिटी में 12 वॉट की 8 AH की बैटरी मिलती है। अब ये देखिए, मैंने कि कल जिक्सर SF का रिव्यू किया था, उसमें 3 AH की बैटरी मिलती है और इसमें 8 AH की बैटरी मिलती है, तभी मैं बोल रहा था कि उसकी जो बैटरी कैपेसिटी हो थोड़ी सुजुकी को ध्यान देना चाहिए। इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टायर साइज के बारे में। टायर साइज में फ्रंट में 90-90 का टायर मिलता है, 90-90 का टायर फ्रंट में देखने को मिलता है एंड रियर में 130-70 का टायर देखने को मिलता है जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलावेल है। और बात करें ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि इस बाइक में स्पेशल फीचर में डुअल चैनल ABS आता है। साथ में फ्रंट में आपको 270 mm की प्लेट देखने को मिलती है, यानी कि जो प्लेट लगी हुई है डिस्क की वो 270 mm की है, रियर में जो प्लेट लगी हुई है वो 240 mm की। ये था दोस्तों TVS अपाचे RTR 200 BS6 मॉडल के राइडिंग मोड्स वाली व्हाइट कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। एक छोटी सी छोटी चीज भी मैंने आप लोगों को बताई है, अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और बेसिकली दोस्तों ये बाइक तो मुझे बहुत पसंद है, 200cc में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। ऐसे
फीचर्स वाली बाइक आपको पूरे मार्केट में किसी भी सेगमेंट में नहीं मिलेगी, किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। ऐसे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। यहाँ तक राइडिंग मोड्स तो भाई ऐसा चीज़ हो जाता है कि 300-400 सीसी गाड़ियों में भी बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे बेस्ट खास बात यह है 200 की, इसमें आपको फीचर्स काफ़ी बेटर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके।